हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और इस वीडियो में हम ऑटोडॉक वीना का यूज़ करके मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करने वाले हैं। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ऑटोडॉक और वीना को इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में पहले से। तो डॉकिंग कराने के लिए हमें प्रोटीन और उसका लिगेंड तो चाहिए, तो चलते हैं। हम यहाँ पर अपने जो रिसेप्टर हमें चाहिए उसके लिए सर्च कर सकते हैं, जैसे कि HIV प्रोटीज इनहिबिटर स्पेलिंग, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है HIV प्रोटीज इनहिबिटर्स की। इस आईडी को उठाते हैं 1BDR को, इसको डाउनलोड कर देंगे हम PDB फॉर्मेट में। तो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। एक तरीका और है डाउनलोड करने का, यहाँ जाएंगे PDB फॉर्मेट, इस कॉपी लिंक एड्रेस कॉपी कर लिया है। तो जिस बात पे हम हैं, यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और अभी लिखेंगे wget और पेस्ट कर देंगे इस लिंक को। पेस्ट करने के लिए अगर लिनक्स है, लिनक्स का टर्मिनल है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाइए, पेस्ट हो गया, एंटर। तो ये डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ देखिए, अभी हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। तो साइट पे देखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें दो पेप्टाइड हमें दिखाई दे रहे हैं और लिगेंड लगा हुआ है बीच में। एक ही लिगेंड है इसमें, ओके। तो हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। वैसे तो एक ही है, लेकिन हमें रिमूव कराना है ना कुछ चीज़ों को। तो रिमूव कराने के लिए और मेथड तो काफ़ी हैं, लेकिन मैन्युअली करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, यहाँ पे AAA लिखा हुआ, यानी कि चेन ए चली हुई है अभी इस प्रोटीन की, और ये चेन बी चल पड़ी है। इस फाइल में से हमें तो पहले तो वाटर को रिमूव कराना होगा। तो रिमूव कराने की तो दो मेथड है, या तो हम इसको यहाँ से सीधा सिलेक्ट करके यहाँ तक फिर इसको कट कर दूँ बैकस्पेस दबा के, या फिर शॉर्टकट मेथड बताते हैं आपको, क्योंकि इस टर्मिनल पे हम काम कर रहे हैं अभी। और वाटर को रिमूव कराने के लिए हम यही ग्रेप माइनस वी HOH इस फाइल का नाम देंगे हम 1BDR.wg, और एक नया नाम होगा हमारे पास 1BDRCLEAN.pdb, एंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और फाइल बन चुकी है। अभी इस नई फाइल में सिर्फ वाटर रिमूव हुआ है इस फाइल में, तो हमें इसमें से एक लिगेंड भी चाहिए ताकि हम सेपरेट कर पाएँ। हमें लिगेंड को सेपरेट करना है, तो लिगेंड सेपरेट करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सी चेन के साथ अटैच है, मतलब कहाँ बॉन्ड बना रहा है। तो ये है लिगेंड IM1 और बी रिसेप्टर के साथ लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि इस फाइल में हमें बी रिसेप्टर रखना पड़ेगा, यहाँ से हमारा रिसेप्टर शुरू होता है, मतलब ख़त्म हुआ यहाँ पे। तो इस रिसेप्टर का चेन ए को हम रिमूव करा देंगे, चेन ए यहाँ से शुरू होती है, ओके। इसको हम ऊपर तक, यहाँ तक हम इसको रिमूव करा देंगे, कट, कंट्रोल सेव। तो इस वक्त हमारे पास ये रिसेप्टर रहा है और साथ में इसका लिगेंड। इसके लिगेंड को हमें सेपरेट करना पड़ेगा किसी और फाइल में, ये करने के लिए हमें। और हाँ, ध्यान रखिए, यहाँ से हम हिट एटम, मतलब सिर्फ लिगेंड्स को ही उठाएं। अगर मैं ग्रैप की कमांड चलाता तो फिर लिगेंड को उठाने के लिए, तो ये साथ में आयंस भी ले जाता, हमें आयंस तो चाहिए नहीं। कंट्रोल कट, ओके। इस फाइल को हमने सेव कर दिया, ये हमारा रिसेप्टर है उनकी, ओके। एक नई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, लिगेंड को मैंने कट किया हुआ है, अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा लिगेंड इस फाइल में आ चुका है, सेव कर देते हैं। सेव,
कैड प्रैक्टिकल ऑटोडॉक, लेकिन नॉट पीडीबी फॉर्मेट में था फाइल को पीडीबी। ओके, तो अभी हमारे पास तीन फाइलें बन चुकी हैं जो हमें चाहिए। इसके बाद हमें ज़रूरत है ऑटोडॉक को यूज़ करने की। ऑटोडॉक चलाने के लिए पहले तो हमें जाना पड़ेगा MGL टूल्स में। MGL टूल्स और ये स्क्रिप्ट हमें पहले यूज़ करनी पड़ेगी। टर्मिनल में चलते हैं। लिस्ट कंट्रोल शिफ्ट सी, यानी कि कॉपी हो गया। अभी हमें लिखना है SOURCE सोर्स और पेस्ट कर देना है। सॉरी यहाँ पे। ओके, तो ये कमांड चल पड़ी है। अब हम ऑटोडॉक को कहीं से भी रन करा सकते हैं। तो हमने एक टर्मिनल तो पहले ही ओपन करके रखा है, ये फाइल और ये इसका टर्मिनल। यहाँ पे ऑटोडॉक को ओपन करते हैं ADT टाइप करके। पासवर्ड तो ऑटोडॉक ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे। रीड मॉलिक्यूल हमारा मॉलिक्यूल है। पहले तो हम इसी क्लीन, यानी जिसमें ना वाटर है इस टाइम ना तो लिगेंड है इस फाइल में, हमने अभी रिमूव किया था दोनों को। ओपन कर देते हैं रिसेप्टर को अपने को। ये रिसेप्टर बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं पहले तो यहाँ पर। ओके, अब अच्छा दिखाई दे रहा है। इस फाइल को हमें क्योंकि हमने अभी वाटर को रिमूव कर दिया है, तो हम यहाँ से डिलीट वाटर नहीं करेंगे क्योंकि वाटर तो पहले रिमूव हो चुका है। तो हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। ऐड, हमें सिर्फ पोलर हाइड्रोजन चाहिए अभी इस केस में। ओके ओके, तो हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं। चार्जेस ऐड, कोलमन चार्जेस, तो कोलमन चार्जेस भी ऐड हो चुके हैं। देखिए कोलमन चार्जेस क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझना होगा। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है किसी वैक्यूम में, उसे अगर हमें उसकी मतलब जो जिस पोजीशन पे वो है उसे कहेंगे हम रेफरेंस, और उसे हमें मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ले जाना है। अब तो एक पॉइंट से उसे दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगा, और ध्यान में रखना है कि एक्सीलरेशन ना हो, तो जो अमाउंट हमें चाहिए उस वर्क को करने के लिए वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और कोलमन चार्जेस जो हैं ये हमारे पेप्टाइड पे जो लगे हुए एमिनो एसिड्स हैं उनके लिए है, और उनके लिए ड्राइव होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। तो हमने यहाँ पे कोलमन चार्जेस को ऐड कर दिया है। अब आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा पीछे देख सकते हैं ताकि बात समझ में आए क्या कह रहा था मैं। ओके, कोलमन चार्जेस ऐड करने के बाद हमें ग्रिड पे जाके मैक्रोमोलिक्यूल सेलेक्ट करना है। चूज, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये पाथ दे रहा है खुद ही कि हम होम अंकित कैड प्रैक्टिकल ऑटोडॉक, और ये हमारे फाइल का नाम था 1BDR क्लीन PDB। अभी ये QT जोड़ दिया इसके साथ, यानी कि एक नई फाइल बन रही है PDB QT फॉर्मेट में। तो हम इसको सेव कर देंगे। ये फाइल सेव हो चुकी है, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं फाइल। अभी हमें लिगेंड को भी प्रोसेस करना है इसमें, तो रीड मॉलिक्यूल लिगेंड डॉट PDB, ये हमारा लिगेंड आ चुका है। लिगेंड यहाँ पे इनपुट पे जाके ओपन नहीं करना है, चूज़ करना है। ओपन तो हमने कर दिया है। लिगेंड को चूज़ किया डबल क्लिक करके। ओके, तो लिगेंड भी प्रोसेस हो चुका है। अब आउटपुट दे देते हैं। आउटपुट सेव एज PDB QT, तो ये सेम पाथ है बस, और सेम नाम है लिगेंड का, बस लास्ट में PDB QT लग गया है। सेव, तो देखिए अभी हमारे पास दो फाइलें बन चुकी हैं। नहीं, एक तो 1BDR क्लीन PDB QT और दूसरी लिगेंड डॉट PDB QT। इसके बाद हमें एक ग्रिड चाहिए होगा काम करने के लिए, मतलब जहाँ पे डॉकिंग होनी है उस प्लेस पे एक ग्रिड बनाना होगा हमें। ओके, ग्रिड बनाने से पहले देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास लिगेंड है सिर्फ, प्रोटीन भी ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि हमारा रिसेप्टर। तो ये अभी बना था
डॉट पी डी बी क्यू टी फॉर्मेट में, इसे हम ओपन कर देंगे। ओके, तो ये रिसेप्टर है और लिगेंड को देखने के लिए हम इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, इसके बोन्स को क्लिक। तो अभी हम लिगेंड को देख पा रहे हैं, ये लिगेंड है और ये इसके मतलब एक्टिव साइट है इस रिसेप्टर की। और लिगेंड के साथ मतलब जो फाइल है उसके इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ये कहाँ पे है, तो ये ऑटोमेटिकली उसी जगह पे है जहाँ पे इसकी एक्टिव साइट है, जो एक्टिव साइट पीडीबी डेटाबेस में बताई गई है। तो ठीक है, अब हम ग्रिड पे जाके मैक्रो मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल का तो हमें पता ही है कि जो मॉलिक्यूल बड़ा है, यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल तो हमारा रिसेप्टर है, तो इसलिए मैक्रो मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करके चूज़ करना है। यह है हमारा रिसेप्टर, डबल क्लिक, नो, ओके, रिसेप्टर हमने चूज़ कर लिया है। इसके बाद ग्रिड बॉक्स बनाना होगा, तो बॉक्स असाइन हो गया है ऑटोमेटिकली, लेकिन हमें इसको एक्टिव साइट के ऊपर ही लेके आना है इस तरीके से कि ओके कि हमारा लिगेंड और एक्टिव साइट दोनों कवर हो जाए। तो देखिए लिगेंड इसके अंदर आ चुका है, लिगेंड और एक्टिव साइट दोनों इस ग्रिड बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। इसको हम सेव कर देते हैं, सेव। अब ये पूछ रहा है कि इस फाइल को नाम दीजिए, हमने ग्रिड पैरामीटर फाइल करके इसको सेव कर देते हैं। तो अभी हमारा ग्रिड भी बन चुका है। अभी हम ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑटोडॉक का काम तो हमारा ख़त्म हो ही गया है हमारा। इसको हम चलते हैं फाइल पे। तो अभी आपने देखा यहाँ पे एक लॉक लग चुका था, उसको हटाने के लिए हमें ये कमांड देनी पड़ती है, सी एच एम ओ डी ए प्लस रीड राइट एक्स एग्जीक्यूट। रीड राइट और एग्जीक्यूट कराना है हमें ग्रिड पैरामीटर फाइल को, तो इसे हम कॉपी हमारे टर्मिनल पे चलते हैं इस पाथ पे और इसे पेस्ट करा के मतलब ये चल पड़ेगी। मैंने इसको अनलॉक कर दिया है अभी, तो इसके बाद हमें इस ग्रिड पैरामीटर फाइल को हमें एक कॉन्फिग फाइल चाहिए जिसको कि हमारा वीना जो है प्रोसेस करेगा बाद में। तो कॉन्फिग फाइल, मैं एक पुरानी कॉन्फिग फाइल को लेता हूँ, बताता हूँ आपको। रिसेप्टर कोई भी कॉन्फिग फाइल को यहाँ से कॉपी करके, लेकिन इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स को चेंज करना है अभी। कॉन्फिग फाइल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेप्टर, ये लिखा हुआ रिसेप्टर, तो यहाँ पे हमें रिसेप्टर का नाम देना पड़ेगा। हमारे रिसेप्टर का नाम है 1BDR क्लीन PDBQT, ठीक है। तो कीबोर्ड है तो आप F2 बटन दबाइए, और अगर लैपटॉप है तो विंडोज़ की के पास, स्टार्ट की के पास एक फंक्शन होगा FN, FN प्लस F2 को दबाइए और ये आप इसको रीनेम कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल सी, ये नाम हमने कॉपी कर लिया है, इस नाम को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो रिसेप्टर का नाम आ चुका है, अब हमें लिगेंड का नाम चाहिए। लिगेंड है हमारा लिगेंड डॉट पी डी बी क्यूटी, कंट्रोल ऑल कॉपी, इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। और ग्रिड पैरामीटर फाइल से हमें कुछ पैरामीटर चाहिए, ये तो बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं कि कहाँ पे है वो, और ये उसका साइज है। तो कोऑर्डिनेट्स को पहले कॉपी करते हैं कॉन्फिग फाइल में, ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ये कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ ऐड करने होंगे, 17, 28, और ये ग्रिड बॉक्स का साइज 40 था हमारे पास ये पैरामीटर। तो ये चीज़ों को ऐड कर देना है। और एनर्जी रेंज का मतलब है कि जब लिगेंड रिसेप्टर पे डॉक हो रहा होगा उस एक्टिव साइट पे, तो एनर्जी में कुछ डिफरेंस होगा हर एक
लिगेंड के उस कन्फर्मेशन में, लिगेंड के जैसे एंगल चेंज होंगे तो आसपास के जो एटम्स हैं उनके उनका जो है सराउंडिंग में चेंज होगी, उनके ऊपर और फोर्सेस आएंगी आएंगी या घटेंगी, तो उनकी एनर्जी अलग अलग होगी उस टाइम। तो जो एनर्जी में डिफरेंस होगा मिनिमम सबसे कम वाले एनर्जी और सबसे ज़्यादा एनर्जी के बीच, वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए एनर्जी रेंज 4 है यहाँ पे। और एग्जस्टिवनेस का मतलब है कि एक बार मतलब एक ही बार में वो बहुत सारे लिगेंड्स की कॉन्फॉर्मेशन को चेक करेगा हमारा प्रोग्राम। एग्जस्टिवनेस 8 करने से वो 8 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को नहीं उठाएगा एक बार में, यानी कि पैरेलल में 8 मॉलिक्यूल ही चल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे हमें दो फाइलें और स्पेसिफाई करनी है, एक आउट और एक लॉग फाइल। आउट में हमारा ये जो pdb.qt फाइल आएगी, इसमें है हमारे लिगेंड की अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन, ये बनेगी हमारे पास अभी। और लॉग फाइल होगी जिसमें लिखा होगा कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे बेहतरीन है। तो हम इसको मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसका मैं लिंक दे दूंगा इस फाइल का भी, या आप यहाँ पे पॉज करके एक सेम फाइल बना दीजिए। सेव, इसको मैं सेव कर दूँ। ओके, अच्छा टर्मिनल पे चलते हैं। ये फाइल्स हैं मेरे पास, और वीना मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है वीना है। वीना में हमें देखिए ये कॉन्फ़िग फाइल लेनी पड़ेगी हमें। कॉन्फ़िग फाइल लेने के लिए एक पैरामीटर का नाम है COFIG कॉन्फ़िग, और फिर कॉन्फ़िग फाइल का जो भी नाम हो, कॉन्फ़िग फाइल का नाम कॉन्फ़िग भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, और दे दीजिए। अभी आपको डैश डैश करके लॉग फाइल या कुछ और ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉन्फ़िग फाइल में लॉग और आउट फाइल को स्पेसिफाई कर दिया है। तो अब हम एंटर करते हैं, तो ये डॉकिंग जो है होना शुरू हो चुकी है इसमें, 0% से लेके 100% तक होती रहेगी। तब तक हम देखते हैं कि हमने अभी क्या क्या स्टेप किए। इसको होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक ठीक है। हमने पहले स्टेप में क्या किया, PDB फाइल को डाउनलोड करा, डाउनलोड करा ODBC, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए इस PDB फाइल में लिगेंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर नहीं है तो आप लिगेंड को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि जिंक डेटाबेस है वहाँ से। तो इस लेकिन हमने जो करी इसमें रिसेप्टर भी था और लिगेंड भी था, हमने उसको सेपरेट किया ना। तो सबसे पहले तो हम इसमें से वाटर को रिमूव किया, रिमूव HOH यानी कि वाटर को रिमूव कराया, ठीक है। उसके बाद हमने सेपरेट कर दिया, रिसेप्टर और लिगेंड को तीसरे स्टेप में हमने सेपरेट करा दिया। अब हमारे पास सिर्फ रिसेप्टर बचा है, जिसमें कि ना तो वाटर है और ना ही कोई आयन्स हैं। वैसे लिगेंड में सिर्फ लिगेंड है, और वो भी एक लिगेंड है सिर्फ, क्योंकि हम एक लिगेंड और एक रिसेप्टर के लिए इसको कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने जब ये आ गया हमारे पास PDB फॉर्मेट में, तो हमने इसको प्रोसेस करा दिया। ऑटोडॉक में प्रोसेस, इसका मतलब कि जो हमारे पास PDB फाइल थी उसको मैंने PDBQT फॉर्मेट में हमने चेंज करा दिया। तो ये 4 स्टेप हमने अभी करे इसको। हाँ, इसके बाद हमने एक ग्रिड बनाया, उसमें वैसे तो हमने वो ऐड करे हमने इसमें हाइड्रोजन, ऑटोडॉक में करा हमने ये सब, हाइड्रोजन को ऐड करा। उसके बाद चार्जेस असाइन कर दिए, और उसके बाद हमने ये रिसेप्टर के लिए था। इस स्टेप को करने के बाद हमने एक ग्रिड बॉक्स बनाया है। हाँ, लिगेंड को भी प्रोसेस किया हमने ना PDBQT में, बना दिया हमने ये जो हमने लिखा है यहाँ पर ऑटोडॉक में, हमने रिसेप्टर और लिगेंड की क्यूटी फाइल बनाई है। तो इसके बाद एक ग्रिड बॉक्स बनाया, और ग्रिड बॉक्स में थे XYZ कोऑर्डिनेट्स उस बॉक्स के, और उस बॉक्स का पूरा साइज। तो उसके लिए हमने एक कॉन्फिग फाइल बना दी, कॉन्फिग फाइल बनाने के बाद हमने एक वीना की कमांड को दे दी, और अभी काम हो रहा है।
इस अभी आउटपुट में जो हमें फाइल आएगी उसको हम अभी एनालाइज करेंगे पाइमोल में। तो ये लॉग एसओ फाइल अभी लिखी जा रही है, तब तक हम पाइमोल ओपन कर देते हैं। ओके, पाइमोल ओपन हो चुका है। पाइमोल में हमें रिसेप्टर चाहिए होगा और लिगेन। ओपन प्रैक्टिकल नोट लॉग्स, हमारा रिसेप्टर है ये। जितने में वहाँ काम हो रहा तब तक हम इसको प्रोसेस कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, रिसेप्टर को शो कराएंगे सरफेस। ओके, ये सरफेस बन चुका है इसका, और इसको देखते हैं। हमें जो अभी आउट फाइल चाहिए क्योंकि उसमें सारे पोज हैं लिगेंड को, लिगेंड के कॉन्फर्मेशन के। तो ये खत्म होने वाला है। तो ठीक है, ये हमारी फाइलें बन चुकी हैं, एक लॉग एस ओ डॉ और ये बिना आउटपुट। ये हमने दोनों पैरामीटर स्पेसिफाई करे थे इसी में, इसीलिए ये दो बन चुके हैं। लॉग फाइल में तो बता रहा है कि मतलब इसने रैंकिंग कर दी है, पहले रैंक पे सबसे अच्छी बाइंडिंग एनर्जी जिसकी है वो पोज है। मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी है सिर्फ, पोज तो हम देखेंगे अभी इसका। क्लोज कॉपी पाइमोल सरफेस कर दिया था हमने। फाइल ओपन वीना, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे। बैकग्राउंड को अवॉइड कर देते हैं। ये हमारा रिसेप्टर है सारा, और इसकी ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पीडीबी के मुताबिक जो है। और ये इसका पहला पोज है जो हमें दिखाई दे रहा है अभी लिगेंड का। दूसरा पोज देखने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ये दूसरा पोज है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और मूवी तरह प्ले करते हैं इसको, प्ले। तो इसके डिफरेंट पोज हैं, ये वहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी। हमने ग्रिड बॉक्स का साइज इस तरह से रखा था कि ये यहाँ भी एक आधी कन्फर्मेशन इसमें आ रही है। इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, ये तीसरे नंबर का पोज है, दूसरे का, और ये सबसे बढ़िया पहला जिसको कि ऑटोडॉक ने मतलब प्रेफर किया है बिना ने। तो हमारी डॉकिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अभी हम चाहे तो उसका एक फ़ोटो सेव कर सकते हैं। रे में जाएंगे और रे स्लो करेंगे, फास्ट नहीं करेंगे, स्लो करेंगे तो मतलब एक अच्छे रेजोल्यूशन की इमेज बनेगी हमारे पास, पिक्चर जो आएगी। सेव इमेज टू फाइल, ठीक है, DOCK नाम दे दीजिए कुछ भी। तो ये हमारे पास बन चुका है, इसको ओपन करते हैं। तो ये हमें दिखाई दे रहा है रिसेप्टर और लिगेंड उसकी एक कॉन्फर्मेशन के साथ जो कि प्रेफर है। तो ठीक है, थैंक यू, काम ख़त्म हो गया हमारा।